हाँ सबके साथ में है, सबके साथ जी जी मतलब समझे नहीं युवा क्या कह रहा है। हमें बस तेजस्वी यादव का सरकार चाहिए, तेजस्वी का सरकार चाहिए जी। क्यों? क्योंकि वो युवा नेता है और अच्छा काम करते हैं। यहाँ भी आए थे तो सबसे मिले थे, सबसे अच्छा खासा बात किया था, बहुत सारा काम भी करते हैं। हमें बस उनकी सरकार चाहिए। सवाल अभी पूर्णिया में गुंजा है, पूर्णिया का मुसलमान पप्पू यादव के साथ है, तो इस पर क्या कहें आप? एक बात जान जाइए कि मुसलमान जब देश और संविधान की बात आएगा तो संविधान और देश। चलिए पूर्णिया में मौजूद है और पूर्णिया का माहौल देख लीजिए, युवाओं के साथ अभी मौजूद है और पूर्णिया में कह रहे हैं कि मुसलमान पप्पू यादव के साथ है, तो इसीलिए हम सोचे कि इन युवाओं से बात करें कि सच में पप्पू यादव के साथ हैं या बीमा भारती के साथ है। क्या नाम है? साकिब अनवर। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि पूर्णिया का मुसलमान पप्पू यादव के साथ है। सबके साथ में, इसका कुछ जरूरी नहीं है। हाँ सबके साथ में है, सबके साथ जी जी मतलब समझे नहीं, सबके साथ। अरे बोलिए अभी पप्पू यादव अपने जगह सही में आ रहे हैं, हमारे लिए बीमा कुमार जिंदाबाद है। हाँ बीमा भारती जिंदाबाद जी। कंफ्यूज कर रहे करे, सबके साथ है, क्या कहेंगे? क्या नाम है? मनसा वालम नाम है मेरा। ऐसा नहीं कह रहे कि पप्पू यादव खराब नेता, वो भी बहुत दिग्गज नेता है, बहुत बड़े नेता है, लेकिन हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं बीमा भारती जी को कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीमा भारती जी को। चाहते हैं तेजस्वी यादव का सरकार बने, सीएम तेजस्वी यादव बने। क्यों? क्योंकि उन युवा नेता है, हम लोगों को वो जागरूकता मिलेगा और उनके वजह से जो है पप्पू यादव ईद पर मुसलमानों से मिलते हैं, वोट लेने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे? वो भी अच्छी बात है, वो अपने जगह पे अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपने जगह पे अपना काम करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार बीमा भारती जीत पाएंगे? कोशिश है जिताने का। हाँ जिताने का कोशिश है। आइए आइए, और भी युवा है, बात करेंगे। चलिए आइए आइए। हो क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल है पूर्णिया का? बिल्कुल, देश में दो धारा है, पूरा देश की आम और आवाम जान रहा है कि देश में दो धारा है, एक सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, और दूसरी धाराएं हैं देश को तोड़ने, संविधान को समाप्त करने की धाराएं हैं। पप्पू यादव जो बीच में है, पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि देश में दो ही धाराएं हैं। आप तमाम लोग पत्रकार बंधु भी जान रहे हैं कि देश में दो ही धाराएं हैं, एक संविधान बचाने का, देश बचाने का, दूसरी धाराएं हैं संविधान तोड़ने का और देश को विखंडित करने का। तो देश में दो धाराएं चल रही है, दो विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा हम लोगों के साथ है जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात कर रहे हैं, आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, और दूसरी धाराएं हैं जो देश तोड़ो, आपस में भाईचारा समाप्त करो, रोजी रोटी खत्म करो, और एक धारा है जो युवाओं को रोजगार दो, शिक्षा हो, किसानों का मूल दुगुना हो, इन सब विचारधाराओं को लेकर। यानी कि युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है। एकदम, शिक्षा, युवाओं का रोजगार, किसानों का हकमारी जो हो रहा है, आम और आवाम की जो हकमारी हो रही है, बार बार जो पूरे देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, हम 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, हम 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में बनाएंगे, वो 10 साल में सिर्फ जुमला बन के रह गया। एक ही सवाल अभी पूर्णिया में गूंज जाएगा, पूर्णिया का मुसलमान पप्पू यादव के साथ है, तो इस पर क्या कहें आप? एक बात जान जाइए कि मुसलमान जब देश और संविधान की बात आएगा तो संविधान और देश के साथ रहेगा, ना कि पप्पू यादव कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी आदमी मायने नहीं रखता है, जब देश और संविधान की बात आएगी तो ऐसे हजारों पप्पू यादव कुर्बान कर देंगे मुसलमान देश और संविधान के नाम पर। क्या लग रहा है बीमा भारती की लड़ाई किन से है, पप्पू यादव से या कुछ बाहर से? मैंने पहले ही आपको बता दिया कि देश में दो धाराएं हैं। अच्छा, एक धारा बीमा भारती जी के साथ है, पप्पू यादव कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप याद रखें कि पप्पू यादव जी मधेपुरा में इनकी जमानत नहीं बचा पाए अपने। अच्छा, आप भी जानते होंगे 19 के चुनाव में अपनी जमानत मतलब MP रहते हुए और जमानत नहीं बचा पाए थे। वही हाल यहाँ भी होगा, वही हाल यही होना जा रहा है। देश में दो धारा है बस। ईद पर मुसलमानों से मिलने जाते हैं, सेवैया खाने जाते हैं। अब अगर आपके घर में चला हूँ, दुश्मन भी किसी के घर चले जाता है तो वो गले मिलाता है, और ईद एक महान पर्व है मुसलमानों का। अगर दुश्मन भी आएंगे तो उसको गले लगाएंगे।
चलिए, मुसलमानों का वोट कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ है, बीमा भारती के साथ है, पप्पू यादव यहाँ कुछ नहीं है, युवा क्या कह रहा है? हमें बस तेजस्वी यादव का सरकार चाहिए। तेजस्वी का सरकार चाहिए जी। क्यों? क्योंकि वो युवा नेता है और अच्छा काम करते हैं। यहाँ भी आए थे तो सबसे मिले थे, सबसे अच्छा खासा बात किया था, बहुत सारा काम भी करते हैं। हमें बस उनकी सरकार चाहिए। हाँ, सवाल एक ही आ रहा है कि मुसलमान पप्पू यादव को वोट कर रहे हैं, बस यही एक कंफ्यूजन है पूर्णिया को लेकर। मुसलमान पप्पू यादव को कर रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान कर रहे हैं हम लोग, लेकिन विवाह भारती जी को कर रहे हैं।